मध्य प्रदेश में 45 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को वैक्सीन लगाने का अभियान जारी है और वैक्सीन के ये डोजेज भारत सरकार द्वारा हमें निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा। 1 तारीख से पहले 18 साल से ऊपर के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का अभियान प्रारंभ होना था। इसके लिए मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे, खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद ये पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। हम जानते हैं कि उत्पादन की भी एक सीमा है। जैसे जैसे उत्पादन होगा और हमें वैक्सीन के डोजेज मिलेंगे, वैसे वैसे हम 18 साल से ऊपर के जो हमारे नौजवान हैं उनको निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चलाएंगे। धैर्य और संयम रखें, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कंपनियों के पास उपलब्धता और जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन के अनुसार, क्योंकि उत्पादन की भी सीमा है, हमें वैक्सीन के डोज मिलते जाएंगे, वैसे वैसे हम टीकाकरण का अभियान चलाते जाएंगे, वैक्सीन लगाते चले जाएंगे। सभी नौजवानों को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन प्राप्त होने के बाद जो संभावना है अभी के 3 तारीख के आसपास प्राप्त होगी, उस हिसाब से हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम फाइनल करेंगे, उसको अंतिम रूप देंगे। लेकिन लगेगी सबको, निःशुल्क लगेगी, आने दीजिए। नौजवानों को धैर्य रखने की आवश्यकता है, निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी।